हाय गाइस, दिस इज योर नेम पर रिएक्शन चैनल। सो वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। सो आज का वीडियो है वो बहुत ही सुपर होने वाला वीडियो, क्योंकि एक खुशी की बात है जब आपका जो आइडियल पर्सन है वो अगर किसी जगह पे चला जाए तो आपको कितनी खुशी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आई एम बिग फैन ऑफ एस्ट्रोलॉजी और उनको बुलाया गया था कराची इवेंट, यानी कि यूट्यूब की तरफ से इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। तो जितने भी यूट्यूबर थे सबको वहाँ पर बुलाया गया था और सब की वहाँ पे एक स्पीच हुई है। तो इस स्पीच में सिस्ट्रोलॉजी डॉक्टर इकरा कंवल भी वहाँ पे गई, उन्होंने स्पीच दी है और उनकी स्पीच सुनते हैं इस व्लॉग में, इनके इस वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इनको अल्लाह ताला और ज़्यादा सक्सेस दें। सो मेरे रिएक्शन को देखते रहिएगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड एज वेल एज़ प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लें जो स्लीपिंग सब्सक्राइबर हैं, ताकि वो जल्दी से उठ के मेरा रिएक्शन देख सकें। सो लेट्स मूव ऑन और हम देखते हैं वीडियो को, टाइम को वेस्ट नहीं करना, चेक इट आउट। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना खास क्या है इस दिन में, तो आपको पता है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। यूट्यूब पाकिस्तान में पहली बार कोई बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहा है, पाकिस्तान में पहली बार ब्रांड कास्ट हो रहा है। आपकी अपनी दी बेस्ट व्लॉगर आखिर यहाँ तक पहुँच गई है अपना स्वीट 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 जर्नी बताने। तो भाई मैंने, मेरा ये अटायर है, आई एम वेयरिंग दिस ब्लैक आउटफिट और ब्लैक थीम के हिसाब से, यू नो, ये मैंने सिल्वर ज्वेलरी खुद सब कुछ डिसाइड किया। ये वही जो मेरे वो लेकर आए थे मेरे लिए, घड़ी है वो है और साथ में रिंग्स। तो इसके मेरी एक फ्रेंड थी जो मुझे हर जगह रेस्क्यू करती है, कल भी वो आई थी, कैमरा के सामने वो नहीं आती, अभी वो लॉबी में मेरा वेट कर रही है, मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ तो अब मुझे निकलना है वहाँ पे। चलें जी, अब मैं जा रही हूँ, यहाँ पे ना काफी रश वश है और ये रास्ता जो यार इट्स सो बिग, यहाँ पे जो है ना वो सलाम पाकिस्तान से लोग आए हैं, पूरी दुनिया से आई हुई है। वालेकुम, देखी जाती है, बहुत तेज घूमता है तो अब मैं इसमें घूम के आपको दिखाती हूँ। यार ये कैसा होगा कि जब सारे लोग यहाँ पे, मुझे खाने पीने की भी बड़ी ऑप्शन है, यहाँ पे एक गोलगप्पा वाला भी आया हुआ है। कराची के स्पेशल गोलगप्पे हैं कि यूट्यूब के स्पेशल गोलगप्पे हैं ये? तो भाई कराची खाऊंगी इवेंट के बाद, वरना मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, मेरी स्पीच खराब हो जाएगी। सेटअप तो माइंड ब्लोइंग है यहाँ पे। वैसे सारी लड़कियां सही करती हैं, शादी वगैरह पे जाएं तो बहुत कम खाती हैं जी। डकी भाई, डकी भाई, फिलहाल गुड लक यार तुम्हारा। हाँ, स्टेज पे कभी कॉन्फिडेंस देखेंगे आज? आज मेरी कॉम्पिट टांगने वाली है, लेकिन नहीं यार, मेरी कॉम्पिट टांगने वाली है। लोगों ने मेरे हाथ में ना ये कार्ड बना दिया, ब्रांड इकरा कंवल क्रिएटर, लग रहा है अपना नाम यहाँ पे देख के। पहली बार नवंबर इतना प्राउड फील हो रहा है। यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, माज़ ऑफ द माज़ वर्ल्ड। आप तो कभी लाहौर आए तो हमसे मिले ही नहीं है, हम कराची आए हैं, हम आपसे मिल लिए। आप इवेंट के लिए आए ना? इवेंट के लिए जी। डकी भाई का शूट चल रहा है अभी मलेशिया में, वो मलेशिया में। हमें लगता है कि हम तीन क्रिएटर्स को एक साथ एक फोटो शूट कराना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद हमें प्रिंट मिलने वाला है। हमें यहाँ से निकलने लगी, वो सीधा रास्ता था और हमेशा आपको पता करा का उल्टा रास्ता। यहाँ पे इतने 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 ब्रिलियंट क्रिएटर्स आए हुए हैं कि ना सिर्फ यूट्यूब पे बोलने का मौका मिलेगा, मतलब इन सबसे मिलने का भी मौका मिला है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सारी बहनों को मिस कर रही हूँ मैं। कि भाई आप इसे घूमे? So excited. देखते हैं। घूमे? तुम घूमियो पहले इस पे? हाँ, मैं एक बार घूमी, मुझे समझ नहीं आया ऐसा हो क्या रहा है ना। उल्टियाँ छुट्टियाँ आज भी, इवेंट बड़ा लंबा है। मैं भूखी, मैं खाली पेट, मैं भर के आया हूँ, बिरयानी खाई है। घूम के देख लेते हैं, घूमते हैं वहाँ पे, अब इनकी बारी है। डगे भाई का ओरिजिनल नेम फादर रहमान है ना, काके को भी घुमाए। शुरू में लगा कि हम घूमते नहीं नहीं, अच्छा जी फिर तो आपकी बिरयानी महफूज रहेगी बिल्कुल। घूमने के बाद हमें मिला है भाई समोसा, समोसा। आई फील सो एंग्री। आपने पहले कहा आपने बिरयानी खाई है, अभी हमने समोसा खाया। अब जहाँ फ्री का जूस, मतलब तो बिरयानी के साथ जूस नहीं पिया था ना, पानी कोक नहीं पी थी वहाँ पे। इन्होंने पतले होने हैं, इन्होंने पतले होने हैं, लेकिन इनका जूस बिरयानी ऐसे ही नहीं बनता, पतला होगा। हाँ ठीक है, देखते हैं, लेट्स गो। अभी पता नहीं क्या है, नॉट माय थिंग, लेकिन मजे का है। तुमने कांटा भी खा लिया, एक और डिश आ गई है भाई, ये कुछ
भूख लग रही है बहुत ज्यादा। टूथपिक नहीं खाऊंगी। लेट्स सी। एक और ट्रेन जा रही है और ये आपको सबसे ज्यादा तेज कौन लगती है? वीडियो बनाने चला गया फातिमा, चला गया फातिमा। फातिमा बिल्कुल अच्छा। सब सिंपल सी वीडियो बना देते पहले। हाँ हाँ अब सब चलाक हो गए। हो गए ना, अब हो गए। वक्त के साथ सब चलाक हो जाते हैं। वो भी आपको देख कर ही है। फिर रेड वाला पकड़ा हुआ आज भाई गए दसवां सब पे दसवां आज आखिरी दिन है। इवेंट कोई भी हो ना, फ्री का खाना सभी लोग खाते हैं। अच्छा सा खाने आप हमें कराची घुमाओगे क्योंकि आप कराची, हम लोग तो नए नए बेचारे लाहौरी। मास को क्या हुआ इतना ज्यादा अपसेट लग रहा है? एक और चीज आ गई है अभी, इनकी डाइटिंग चल रही है। डकी भाई खा के मोटे हो गए। खाता पीता बंद हो यार, ऐसा तो ना करो। खाता पीता लाहौरी बंदा। मैंने तुम्हें जैसा कि पहले कहा कि आज आखिरी दिन है, आखिरी दिन का प्रॉपर मजा भी तो लिया जाए ना। इकरा बहुत एक्साइटेड नजर आ रही है इस व्लॉग में। हमने बच्चे की ट्रीट भी लेनी है। ओ बाहर ये कि हमें लेवल की जगह लेके जाएगा भाई। लेवल की भाई पार्टी देनी है। कल से मैंने डाइटिंग शुरू कर दी है। आज तुमने मुझे ये नहीं बता भाई, आज मुझे पार्टी चाहिए। मेरी सीट जो है ना वो आगे है बिकॉज़ मैं स्पीकर ब्लॉगर जो है ना पीछे जाके बैठ गए दोनों। ओ हर कोई बंदा अपना व्लॉग बनाए जा रहा है। आर यू रेडी? ये कौन है मैडम साहिबा? फंक्शन स्टार्ट हो गया। They come to unwind, they come to be entertained, and it's where they connect with their passion. Ikra Kanwal, who runs a channel called Ikra Kanwal's Astrology, 1.24 million subscriber ho chuke hain inke. She's now a full-time YouTuber today with her four sisters. Their channel has crossed 1 million subs earlier this year, and I believe she told me they have 5 buttons across her family. So a big round of applause for her. Thank you so much. I want everybody to join hands in welcoming Ikra from Sisterology. Assalamu alaikum everyone. Sabse pehle main bata do, my name is Dr. Ikra Kanwal and I'm a YouTuber, I'm a doctor, I'm a singer as well. So main apni char behno ke sath ek YouTube channel run karti hu jiska naam hai Sisterology. Sisterology yes. Ek vlogging channel hai jisme hum apne subscribers ko apni daily routine, अपने ट्रिप्स, फैमिली एक्टिविटीज और स्पेशल मोमेंट्स दिखाते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 1 मिलियन लोगों की फैमिली हैं। हम एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक रखते थे, रखते हैं अच्छा, सोशल मीडिया से, किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई ताल्लुक नहीं था। बस मेरा शौक था, मैंने ये सोचा कि बचपन में मुझे दो काम करने हैं, मुझे गाना गाना है या मुझे डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर मैं बन गई, मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया, लेकिन सिंगिंग के प्लेटफॉर्म को मुझे परसू करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था क्योंकि आप कहीं जाते हो तो किसके सामने परफॉर्म करते हो। देन यूट्यूब मेरी जिंदगी में आया और उसने मेरी लाइफ बदल दी। वाओ ग्रेट स्पीच। लेकिन बीच में एक चीज आई के फैमिली रिएक्शन क्या होगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, आसपास के लोग क्या, ये सबसे बड़ी बात होती है। वहाँ पे मेरी फैमिली ने, स्पेशली मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। He said, "Do whatever you want to do." तो ऐसे मेरी ग्रेट जर्नी का आगाज हुआ। मेरी स्पीच हो गई है खत्म। शाहिद जाफरी कैसी थी स्पीच? सुपर कॉन्फिडेंट। अपनी तरफ से तो मैंने बहुत कॉन्फिडेंस दिया था, बट आई रियली डोंट नो कि वो दिखा कैसा था। सो गाइस ये है यूट्यूब के जबरदस्त है ना, हमारे यहाँ पे दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है। अभी परफॉर्मेंस होनी है कि जब आप होस्ट करके बहुत ज्यादा थक जाओ एंड यू ऑफर योर चिली चिप्स ओके। सो रियल होस्ट ने क्या करना, प्रसाद मुझे देना, पूरा डिब्बा खुद रखना। व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा? दिस इज पाकिस्तानी बिहेवियर पूजा। या बे देखे गाइस सब राजा जवाना अनुकूल बोल के तैयार थी तन खबर किवे होवे। या बे गाइस खाना यार, ऑल यूट्यूबर गाइस सो एंजॉयिंग यार। ये देखे भाई मिस ओ ग्रेट यू नो आवर डैड डैड रिश्ते बैठो रिश्ते। ये दोनों प्रीटी मेरी है, ये आपकी है तीनों। मास खाएगा भी तो मास मेरी
तो गाइस मैं इवेंट से आ चुकी थी, वापस आके चेंज कर लिया था क्योंकि जो है ना वापस आ गए हैं ये लोग। बता की तो अब देखे मैंने सैंडल पहन लिए, अभी टाइम है अभी 1:30 बज रहा 2 बज रहा, मैं तो चेंज करके आ गई थी। इस बच्चे ने घर जाना है, अपने काके को भी टाइम देना है, अपनी वाइफ को भी टाइम देना है, यू हैव टू गो। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, उम्मीद करती हूँ दोबारा कराची आऊंगी तो जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। और एक जो पीस है वो इस तरह का दिख रहा है कि दिस इज वेरी क्लियरली चिकन क्योंकि इसके स्ट्रिप्स स्ट्राइप्स लगे हैं। और ये बहुत क्लियरली ये फिश है। मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मतलब मेरे हिस्से में मछली क्यों नहीं आई है? वो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, हिसाब किताब बता रहे हैं कि चिकन आके क्या है। इन लोगों ने सोचा अभी रात का टाइम है, इन्होंने भूख लगी है, खाना नदियाँ बंद हो रही है, इन्होंने फ्रीज तो गाइस मैं आ चुकी थी अपने कमरे में, खाना क्या किया, खाने का पैसे दिए थे, मेरी बारी है, मैंने फ्रेश होना है। खैर मैंने अपने कपड़े तो चेंज कर लिए, आज मैंने 3 बार भालू बनी हुई है मैडम, बहुत पसंद आया होगा। आज हम जिन जिन लोगों से मिले वो चीजें आपको बहुत पसंद आई होंगी, सबसे अच्छा आपको क्या लगा ये कॉमेंट बॉक्स में आपने जरूर बताना, इस तरह का मीटर या नहीं होना चाहिए ये भी आपने जरूर बताना है। और अपनी दुआओं में मुझे इसी तरह याद रखना, बिकॉज आई वॉन्ट कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल लेके आती रहूं। सो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वाह जी वाह, ग्रेट एंड पे ये वीडियो देखी नहीं है। ब्रांड कास्ट जी बिल्कुल यार, सो एक्साइटेड। मेरे जैसे जितने भी अभी बहुत ही कम और बहुत ही लो लेवल के यूट्यूबर बैठे हैं, रिएक्शन वाले जो भी हैं, अल्लाह ताला मैं दुआ करता हूँ उनके लिए कि वो भी जाएं और वहाँ पे ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट करें, और वो भी लॉट ऑफ फन होता है यार, कितना एंजॉय होता है, इतने से बड़े बड़े लोग आए होते हैं, यूट्यूबर्स आए होते हैं, तो सच है ग्रेट इवेंट है। और यूट्यूब को ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए पाकिस्तान में भी, ताकि पाकिस्तान में ये और ज़्यादा, जितना ज़्यादा फेमिलियर होगा लोग उतने ज़्यादा इस चीज़ को इंटरटेन करेंगे और इसमें इन्वॉल्वमेंट सबकी होगी, चाहे अगर ये कोई पेड़ भी हो या चाहे ना भी हो, लेकिन इस तरह का इवेंट होना चाहिए, इट्स अ गुड गैदरिंग। और इकरा कमल इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रही थी, उसकी स्पीच थी, और एक नाम होता है ना जब इंसान को, जब किसी चीज़ पे मतलब किसी चीज़ के लिए बुलाया जाता है तो बहुत से लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले सामने बैठे होते हैं, तो फिर इंसान की जो स्पीच भी होती है इतना कॉन्फिडेंस कभी ना कभी लूज़ कर लेता है, लेकिन बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था, अच्छे बहुत अच्छे से आगाज़ किया इन्होंने स्पीच का, उसमें ज़्यादा भी इन्होंने वो फील नहीं किया जैसे कि शायनेस फील होता है या कुछ ऐसा हिचकिचाना या कुछ ऐसा, लेकिन बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था, ज़बरदस्त था ये इवेंट, बहुत कमाल का है। और यूट्यूब को करना चाहिए ऐसा इवेंट, और सारे जितने भी लोग यूट्यूबर आए हुए थे सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। डकी था, शबीर जाफरी था उसमें, और उसमें वो मास वर्ड यानी मास अफदर था, एक लोग शायद मे भी वो लोग भी गए हों कि और भी जितने भी पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे थे, तो मे भी कि वो लोग गए हों या नहीं गए, लेकिन ऑल यूट्यूबर्स आर सो हैप्पी एंड वी आर हैप्पी यू आर देयर, इंशाल्लाह वी विल इन फ्यूचर हम भी वहाँ पर होंगे। देर इज़ लिटिल बिट माई हार्ट बीट इज़ बहुत जो बहुत ज़्यादा थक थक कर रही है, काश हम भी वहाँ पे होते, लेकिन होंगे इंशाल्लाह एक दिन होंगे, ज़रूर होंगे। सो प्रे फॉर माई चैनल, प्रे फॉर मी, और इसी तरह मेरे चैनल को लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, तो हम भी वहाँ पे आपको कोई ना कोई ऐसा वीडियोस बना के ज़रूर दिखाएंगे इंशाल्लाह एक दिन। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये व्लॉग और इनका व्लॉग और मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों से शेयर करते रहें, और कमेंट बॉक्स में बताते रहें कि मुझे वीडियो आपको कैसी लगती है। सो गाइस आपके बताने से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए और ढेर सारा एंटरटेनमेंट पैकेज लेके आया करूँगा। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।